जनपद मथुरा में अवैध मिट्टी और बालू खनन का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। खनन माफिया इलाका पुलिस से सांठगांठ कर अपने कारोबार को बदस्तूर चला रहे हैं, लेकिन जब अधिकारियों का ऊपर से दबाव आता है तो पुलिस खनन माफियाओं के खिलाफ छोटी मोटी कार्रवाई कर अपना गुडविल दिखा देती है। ऐसा ही मामला वृंदावन कोतवाली की जैन चौकी इलाके में देखने को मिला। जैन पुलिस ने खनन माफिया पर कार्रवाई करते हुए दो हाइवा को मिट्टी खनन में पकड़ लिया। पुलिस ने अवैध मिट्टी खनन में पकड़े गए हाइवा के संबंध में खनन अधिकारी को रिपोर्ट भेज दी। चौकी प्रभारी अरविंद सिंह ने बताया कि बीती रात गांव राल से अवैध मिट्टी खनन कर ले जा रहे दो हाइवा को पकड़ा है, लेकिन चालक भाग जाने में सफल रहे। पकड़े गए दोनों हाइवा को सीज कर दिया गया है और खनन अधिकारी को इसकी रिपोर्ट बनाकर भेज दी है। इस दौरान पुलिस को देखकर चालक हाइवा को छोड़कर फरार हो गए। अब सवाल उठता है कि खनन में प्रयुक्त मशीन को पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा। वृंदावन कोतवाली और जैन चौकी क्षेत्र के गांव देवी आटा, सुनरक, बाबूगढ़, सकराया आदि जगहों पर खनन माफिया बड़े पैमाने पर खनन कर रहे हैं। पुलिस और खनन विभाग के अधिकारी इनकी तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं।